नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार ट्रेवल विद एचके में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ राजस्थान की गोल्डन सिटी कही जाने वाली नगरी जैसलमेर। तो चलिए जैसलमेर चलते हैं। जैसलमेर जाने के लिए हमने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन के द्वारा सफर तय किया। आप चाहे तो अपनी गाड़ी द्वारा, बस द्वारा और हवाई जहाज के द्वारा भी ये सफर तय कर सकते हैं। दिल्ली से जैसलमेर की दूरी करीब 800 किलोमीटर है और यहाँ जाने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च तक है और दिनों में यहाँ पर काफी गर्मी रहती है। जैसलमेर में ठहरने के लिए हमने किले के पास ही गढ़निवास पैलेस बुक कराया। हमारी पहले से बुकिंग नहीं थी तो काफी होटल ढूंढने के बाद हमें ये होटल गढ़विलास पैलेस मिला। बिल्कुल फोर्ट के पास है ये, और ये मैं आपको रूम दिखाता हूँ। हमारा रूम नंबर 106 है। ये रूम की गैलरी बनी हुई है। रूम में घुसते ही सबसे पहले टेबल चेयर रखी हुई है, उसके बाद साइड स्टूल रखा है, फिर ये डबल बेड। और ये रूम आप देखो कितना बहुत बड़ा रूम है। 3 पर्सन के लिए ये रूम है। ये एक्स्ट्रा बेड की उन्होंने ये प्रोविज़न दिया हुआ है। इसके साथ अगर आप ये देखेंगे तो ये खिड़की, साइड में दूसरी बिल्डिंग है जो आपको बाहर नज़र आ रही होगी, और इसके बाहर ये खिड़की। अभी रात का समय है तो सामने ये सिटी का व्यू नज़र आ रहा है। इस रूम की दोस्तों अगर बात करें तो 3 पर्सन के लिए इस रूम का किराया है 3000। बहुत अच्छा रूम है, बढ़िया रूम है और काफ़ी बड़ा रूम। इधर टीवी भी लगा हुआ है और एसी। चलिए वॉशरूम और दिखाते हैं। वॉशरूम भी ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। फिर ये गीज़र लगा हुआ है, ये मिरर। वॉश बेसिन जो देख रहे होंगे आप, ये भी जैसलमेर के स्पेशल पत्थर का बना हुआ है। अच्छा रूम है दोस्तों, काफी स्पेशल। दोस्तों अभी हम जैसलमेर के किले में हैं। जैसलमेर किले का निर्माण 1156 में राजपूत राजा रावल जैसल द्वारा किया गया था। जैसलमेर को सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह किला थार रेगिस्तान के सुनहरी रेत के बीच में गर्व से खड़ा है। यह किला 1500 फीट लंबा, 750 फीट चौड़ा, 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले में 4 प्रवेश द्वार है, जिनमें से एक को तोप से संरक्षित किया जाता। किले के अंदर आप कई तरह के घर और मंदिर देख सकते हैं। किले के जो प्रवेश द्वार हैं, ये मूर्तिकला सुंदरता और सुंदर डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों ये जैसलमेर किले का संग्रहालय है, जिसमें एंट्री टिकट 200 रुपए पर हेड है। दोस्तों ये महल के अंदर आप कितनी खूबसूरत कारीगरी देख पा रहे होंगे। ये महाराजा का सिंहासन है, जो महाराजा विभिन्न समारोह में इस्तेमाल करते थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये राज परिवार की वंशावली है। फव्वारा तो है, मतलब क्यों लगा हुआ? जब होते थे यहाँ फेस्टिवल। ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये मूर्ति कक्ष है, जिसमें ये बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के घोड़े की मूर्ति व अन्य मूर्तियाँ देख सकते हैं। ये मूर्तियाँ कितने पुरानी है? मूर्तियाँ 300-400 साल पुरानी है, 40-50 साल पहले। दीवाने आम कहाँ बैठते थे? इधर पर। ये दीवाने आम है, जहाँ पर महाराजा आम जनता की समस्याएं सुनते थे। दीवाने आम में ये जो आप खूबसूरत कारीगरी देख रहे हैं, पहली नजर में देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी लकड़ी पर बनी हुई हो, लेकिन वास्तव में ये पत्थर को काटकर जाली बनाई गई है, जिस पर बहुत खूबसूरत और बारीक काम हुआ हुआ है। ये जैसलमेर किले की छत से जैसलमेर का विहंगम दृश्य, जिसमें दूर आपको गड़ीसर लेक भी नजर आ रही होगी। कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। किले के कुछ हिस्से में रेनोवेशन का काम भी चल रहा था। जैसलमेर का किला, ये जैसलमेर किले का मॉडल है, जो पत्थर का बना हुआ है। ये जैसलमेर किले का बाहर का दृश्य, कितनी खूबसूरत नक्काशी इस पर की हुई है। दोस्तों इस किले के अंदर आज भी करीब 4000 लोग रहते हैं। ये जैसलमेर किले के अंदर बाजार। हमें बताया गया कि जैसलमेर में आज भी शादी का निमंत्रण इस तरह से दिया जाता है। इस्लामी और राजपूत शैली के प्रभावों के मिश्रण वाला किला राजस्थानी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। दम मस्त कलंदर, अली दा पे लाल, अलोदा लाल कलंदर, लाले वो
पीले बलुआ पत्थरों से तैयार और बेहतरीन नक्काशी और डिजाइन के चलते आज ये महल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। सूर्यास्त के समय यह किला सोने के जैसा सुनहरा चमकता है। दोस्तों, अभी हम हैं जैसलमेर किले के पास ही जैन मंदिर में। इसके अंदर 7 जैन मंदिरों का एक समूह है। जैसलमेर के जैन मंदिर वास्तुकला का चमत्कार माने जाते हैं। मंदिरों की दीवारें दिलवाड़ा मंदिर की शैली में मानव और पशु आकृतियों से सजी हैं। जैसलमेर में जैन मंदिर में पहुंचने पर आपको सबसे पहले चंद्र प्रभु मंदिर के दर्शन होंगे। यह मंदिर 8वें तीर्थंकर को समर्पित है और इसका निर्माण 1509 में किया गया था। दोस्तों, यह मंदिर पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है। दोस्तों, मेड़ता के आस्करण चोपड़ा ने संभावनाथ को समर्पित एक विशाल मंदिर बनवाया, जिसमें 600 से अधिक मूर्तियां और ज्ञान भंडार या पुस्तकालय था, जिसमें भोजपत्र और ताड़पुत्र पर लिखी सबसे पुरानी हस्तलिपि पुस्तकें थी। जैन मंदिरों के समूह में पार्श्वनाथ मंदिर, संभवनाथ मंदिर, शीतलनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, कुंथुनाथ मंदिर, चंद्रप्रभा मंदिर और ऋषभनाथ मंदिर शामिल है। पार्श्वनाथ मंदिर परिसर का सबसे पुराना और सबसे सुंदर मंदिर है। यह मंदिर शिल्प कौशल और उत्कृष्ट नक्काशी से समृद्ध है। गर्भगृह की दीवार पर जानवरों और मानव आकृतियों की नक्काशी है। मंदिर का शिखर आमलक से सुसज्जित है। मंदिर में एक अलंकृत बरामदा है और मुख्य मंदिर 52 छोटे कमरों से घिरा हुआ है। मंदिर के बाहर की नक्काशी भी देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। अगर आप जैसलमेर आए तो इस मंदिर को भी अवश्य देखें। दोस्तों, जैसलमेर शहर की तंग गलियों में स्थित खूबसूरत पटवों की हवेली अपनी खूबसूरत चित्रकलाओं और जटिल नक्काशियों के कारण मशहूर है। यह हवेली 5 छोटी सुंदर हवेलियों का एक समूह है। इनमें से पहली हवेली का निर्माण 1805 में कुमान चंद पटवा द्वारा कराया गया था। इस भव्य महल की भीतरी दीवारों पर कुछ चित्र और शीशे का कलात्मक काम किया गया है। इतिहास में दिलचस्पी लेने वाले पर्यटकों के लिए हवेली के एक हिस्से को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें 10वीं शताब्दी की शुरुआत की कई कलाकृतियों को रखा गया है। इस हवेली के कोने कोने में व्यक्तिगत चित्र और हर मेहराब के विषय वस्तु में स्थानीय राजस्थानी शिल्पकारों की मेहनत और हुनर का जायजा लिया जा सकता है। पूरी हवेली सुनहरे पत्थरों की बनी हुई है, जबकि हवेली का मुख्य द्वार कत्थई रंग का है। पहली हवेली, जिसे कोठारी की पटवा हवेली के नाम से जाना जाता है। इन हवेलियों के भीतर मेहराब और प्रवेश द्वार की अलग खासियत है, जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। प्रत्येक में एक अलग शैली का मिरर वर्क और चित्रों का मिश्रण है। हवेली के झरोखे, मेहराब, बालकोनियां, प्रवेश द्वार और दीवारों पर भी जटिल नक्काशी और पेंटिंग है। पटवों के 5 भाइयों और उनके परिवार के लिए एक अलग हवेली थी, जिनमें से सभी को एक अलग सुविधा मिलती थी। यहाँ की सभी हवेलियों को 50 वर्षों के अंतराल में डिजाइन किया गया था, जिसमें से पहली हवेली सबसे भव्य है, जिसको बनाने में सबसे ज्यादा समय लगा। पटवों की हवेली के खंभे और छत पर उस समय के विशेषज्ञों द्वारा की गई आकर्षक और जटिल नक्काशी है। इसके दरवाजे बारीक डिजाइनों से भरे हुए हैं, जो वास्तुकला के शौकीनों को बेहद पसंद आते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये तरह तरह के ताले हैं जो उस दौरान इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, हवेली के इस म्यूजियम में सारी चीजें आपको पुरानी और दुर्लभ नजर आ रही होंगी। स्थानीय निवासियों द्वारा बताया जाता है कि पटवों का कारोबार सोना चांदी तथा अफीम से जुड़ा हुआ था। हमारे गाइड ने बताया कि इस कक्ष को 16 श्रृंगार कक्ष कहा जाता है। यह एक कक्ष था जिसमें रसोई से संबंधित चीजें रखी हुई थी।
दोस्तों अभी हम आ गए हैं नथमल जी की हवेली। जैसलमेर शहर के बीचों बीच ये एक खूबसूरत और ऐतिहासिक हवेली है। यह अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए जानी जाती है। इस हवेली का निर्माण 19वीं शताब्दी के अंत में नथमल और हाथी सिंह नामक दो भाइयों ने किया था। हवेली पारंपरिक राजस्थानी शैली में बनाई गई थी और इसे पूरा होने में 22 साल लगे। इसका निर्माण दोनों भाइयों ने विपरीत छोरों से आरंभ किया था। हवेली का दायां और बायां भाग एक जैसा लगता है, लेकिन ये एक जैसा है नहीं। यही असमानता इस हवेली में चार चांद लगाती है। अगर आप दोनों किनारों पर हाथी की मूर्तियां देखें तो एक में हाथी का बायां पैर आ गया है, दूसरी में दायां पैर आ गया है। दोस्तों घूमते घूमते काफी देर हो गई थी और हमें भूख भी लगी आई थी, तभी हम पास के एक रेस्टोरेंट में लंच करने आ गए। ये महाराजा थाली, कितनी कटोरी है इसमें गिनना? 13 थाली और एक गिलास में 13 कटोरी और एक गिलास में लस्सी, पापड़, और चपाती पराठा, ऐसी रोटी लग रही है। इस रेस्टोरेंट का नाम डेजर्ट बाइट रेस्टोरेंट था, जो कि किले के पास ही था। क्या क्या है सब्जी बताओ? पूछती हूँ भैया, एक कड़ी है, एक बेसन गट्टक है, एक दाल है, ये तो कुछ कैप्सिकम का लग रहा है। इसे पूछूं या खुद ही गेस कर ले? खुद ही गैस कर लो। ये तो मीठा है, ये केर सांगरी है, ये चावल है, कड़ी लग रही है, ये वेज है, नहीं, ये सब्जी है, ये दाल है, वो सलाद है, वो शायद पनीर है, फिर बेसन गट्टा, बेसन गट्टा अचार, दो तरह का अचार, दाल, ये बाटी, राजस्थान बाटी, केर सांगरी की सब्जी, जीरा राइस, ये गट्टा करी, गट्टा राजस्थान, ये दाल फ्राई, ये सलाद, ये पनीर मटर मसाला की सब्जी, ये मिक्स वेज, ये लहसुन चटनी, ये अचार, ये कड़ी, ये दलिया, वेज रायता, और ये चूरमा, ये बांगड़ा की रोटी, पापड़, प्लेन रोटी, और मिर्ची पराठा। खाना काफी टेस्टी था। खाने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए चल दिए। अगला पड़ाव था हमारा कुलधारा गांव, जो जैसलमेर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। ये कुलधारा गांव के बारे में लिखा हुआ है। 84 गांवों में के लोग यहां से छोड़ के चले गए थे। दोस्तों अभी हम खड़े हैं कुलधारा विलेज में। कुलधारा विलेज जो कि हॉन्टेड विलेज के नाम से मशहूर है, आज हम उसको उसकी सैर आपको कराते हैं। तो चलिए कुलधारा विलेज की सैर करते हैं। कुलधारा विलेज की दोस्तों कहानी है कि ये गांव एक रात में ही उजड़ गया था। किसी मंत्री का दिल यहाँ की ब्राह्मण की बेटी पर आ गया था और उसने उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मण परिवार ने मना कर दिया और वो रातों रात गांव को छोड़कर चले गए। तब से ये गांव उजाड़ हो गया और ब्राह्मणों ने जाते हुए ये श्राप दिया कि कभी गांव दोबारा बसेगा नहीं। दोस्तों ये कहानी आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि दुष्ट प्रधानमंत्री सलीम सिंह की नजर ग्राम प्रधान की बेटी पर थी और उसने ये घोषणा की कि उसकी सहमति के साथ या उसकी सहमति के बिना वह उस लड़की से शादी करेगा। उसकी मांगों को मानने के बजाय ग्रामीणों की परिषद ने रातों रात अपने पुश्तैनी घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया कि वहां कभी कोई नहीं बस पाएगा। श्राप के अनुसार आज भी गांव वीरान पड़ा हुआ है और कोई भी व्यक्ति गांव में रात नहीं गुजार सकता। इस गाँव को 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधारा गांव में बस गए थे। एक लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहां के लोग बेहद परेशान रहते थे, लेकिन आज कुलधारा गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखे जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं। यह गाँव एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं उजड़ा हुआ कुलधारा, ये आप यकीन कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर ये गांव पूरा उजड़ गया। आसपास के वाले लोग बताते हैं कि यहाँ कभी रात में कोई नहीं आता है, रात में जो है सन्नाटा सा ही रहता है, कभी किसी को इधर आते हुए देखा नहीं गया। दिन में यहाँ खूब टूरिस्ट आते हैं, लेकिन शाम को वो रुक नहीं पाते या कोई लोकल भी नहीं आ पाता। इतना भयानक या हॉन्टेड गाँव इसको कहा जाता है। ये चारों तरफ का गांव का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, 360 डिग्री का व्यू।
दोस्तों, ये जो मैंने गांव के बारे में आपको जानकारी दी, ये सारी इंटरनेट के द्वारा ली गई है। सुरंग नहीं है यहाँ पे कुछ। कुलधारा विलेज और हॉन्टेड विलेज। तो दोस्तों, ये था हमारा कुलधारा विलेज और जैसलमेर का सफर। जैसलमेर के अगले एपिसोड में मैं आपको सैर कराऊंगा डेजर्ट कैंप की और सैंड ड्यून्स की। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।